सिरगढ़ साइड मित्रों मित्रों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक और नई ताज़ा वीडियो में। यह वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप सभी कन्या राशि के लोगों के जातकों के दैनिक राशि फल के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि आने वाला चार दिन आपके लिए कैसा होने वाला है, क्योंकि आपके जीवन में दो बड़ी बात का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ही आवश्यक रहने वाली है। बहुत ही सारी आपके जीवन में खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली हैं, परंतु आपको समय के साथ अपने आप को बदल लेना चाहिए। समय के साथ आपको दैनिक दिनचर्या में लाभ की प्राप्ति होंगे, जमीन जायदाद लेने का मौका मिलेगा, घर बनाने का मौका मिलेगा, वाहन कार्य इत्यादि अपने शान शौकत में बढ़ोतरी करने के मौके प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आप लोगों को जातकों को बताएंगे कि आपका लकी नंबर लकी कलर कौन सा रहेगा, कौन सा वह कार्य क्षेत्रों में लाभ हो सकते हैं, कौन से वह महत्वपूर्ण सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है, आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से। तो वीडियो को लगातार अंत तक देखिएगा, उससे पहले इस वीडियो को कोई सा भी पार्ट अगर आपको अच्छा लग जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा। तो दोस्तों आज का दिन का समय बहुत खास होने की संभावना बनाई जा रही है, और आने वाला चार दिन आप लोगों को जीवन में स्वास्थ्य राशि फल को देखें तो आप लोगों का जीवन में आपका स्वास्थ्य बेहतरीन रहने वाला है, जिसके चलते आप जीवन के और भी क्षेत्रों में जबरदस्त प्रदर्शन कर पाओगे। साथ ही इस दौरान आपको साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि देखने को मिलेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने जीवन में से जुड़े हर एक प्रकार के कार्य को सरलताओं के साथ भी ले सकेंगे। जी हाँ मित्रों, लेकिन कह के देते हैं कि जीवन में लेने में आप लोगों को पूर्व विकास परेशानियाँ हो रही थी, आपकी चंद्र राशि में बृहस्पति दसवें भाव में महजूद होंगे। इस दौरान आप लोगों की वृष राशि के जातकों को, खासतौर से महिलाओं को, जीवन में जातकों को कुछ भी बोलते समय, वेतन या लेन देन को करते समय विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। चंद्र राशि में शनि के आठवें भाव में हो जाने से संभव हो चुका है कि आपकी मासूमियत के कारण घर का कोई भी व्यक्ति आपसे आर्थिक रूप से सहयोग मांग सकते हैं, ना चाहते हुए भी मना कर ना सकें। अगर आप पार्टी करने की सोच रहे हैं तो यह समय अपने नज़दीकी दोस्तों को बुलाएँ, क्योंकि ऐसे कई लोग होंगे जो कि आपका उत्साह को बढ़ाएंगे। साथ ही इन दौरान बिना कुछ खास किए आसानी से अपने परिवार के लोगों के जीवन में ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में कामयाब हो सकते हैं। यदि पूर्व में आपको केरल में कुछ निराशा देखने को हाथ लगी है तो इस दौरान चीज़ें वापस से ठीक होने लगेंगी, आपका व्यवसाय संक्रांतमक दिशा की ओर बढ़ने लगेगा, आपको भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाने में सफलता मिल सकती है। और इस दौरान मुमकिन हो चुका है कि आप परीक्षाओं के लिए पूर्व से दो दिनों मेहनत कर रहे थे, उनमें आप लोगों को असुरक्षा इच्छा के अनुसार परिणाम न मिल सके, जिनसे आपके घर में आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचने के योग होंगे। प्रतिदिन आपको सत्यवार ओम सोमाहि नमः का जाप करना आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, और जीवन में सर्वगुण संपदाओं को वृद्धि करने के मौके मिलते हैं। आप इस दौरान अपने प्रेम संबंधों में जुनून और रोमांस की कमी महसूस कर सकते हैं, जिसे लिए ना चाहते हुए भी आप अपने साथी को नाखुश कर सकते हैं। साथ ही प्रेमी को यह नाराजगी आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर भी नकारात्मक रूप से बढ़ सकता है। जी हाँ मित्रों, तनाव वृद्धि करने का मुख्य स्रोत बन सकते हैं। इस दौरान आप लोगों के जीवन में कार्य क्षेत्र के बढ़ते काम के चलते अपने दाम्पत्य जीवन को पर्याप्त समय देने असमर्थ होंगे, परंतु आपको यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपके जीवन साथी को आपके ध्यान की जरूरत रहेगी, इनसे चलते आप इस दौरान घरेलू मोर्चे पर मुश्किल का सामना करना भी पड़ सकता है। जीवन में काफ़ी बड़े बदलाव हो सकते हैं, और आप लोगों की जातकों के जीवन में राहु केतु एक साथ ग्रह गोचर बदलाव होने वाले हैं। मौत मस्ती की यात्राएं, सामाजिक मेल जोल आपको खुश रखेंगे, सुकून प्राप्त करेंगे। जो लोग लघु उद्योग करते हैं उन्हें आज के दिन अपने किसी भी करीबी की कोई भी सलाह मिल सकती है, आर्थिक रूप से लाभ मिलने की संभावना बढ़ सकती है। शादी के समय अपने जीवन साथी के साथ आज के दिन बाहर का खाना, फिल्म को देखना आपको सुकून प्रदान कर सकता है, खुश मिजाज बनाए रख सकता है। आपका प्रेमी आज के दिन आपकी बातों को सुनने से ज़्यादा अपनी बातें कहना पसंद कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़े से खंड प्राप्त होंगे। अपने पेशेवर क्षमताओं को बढ़ाकर आप केरल में नए दरवाजे खोल सकते हैं। दिन शुभ और बेहतर कार्य होने वाला है। जय मां विंध्यवासिनी।